हेलो एवरीवन, हम एनसीईआरटी की क्लास 8th के सेकंड चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने 2.2 की 8th क्वेश्चन कर लिए थे। 2.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करती है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो हमें राहुल और हरुण की जो ages हैं उनका ratio दिया है और बोला है कि 4 साल के बाद उनकी एज जो है वो उनके एज का जो सम करेंगे वो 56 होगा। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप रेशो में से दोनों को अलग अलग करके लिखते हो तो आपको उनके साथ एक एलजेब्रिक टर्म लेना पड़ता है। तो जब अगर हम इसमें से राहुल की एज को अलग करेंगे तो 5 के साथ x लिखेंगे और हरुण की एज को अलग करेंगे तो 7 के साथ भी x लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ राहुल बी 5x, लेट द एज ऑफ हरुण बी 7x। तो दोनों की एजेस हो गई 5x 7x। अब क्वेश्चन में हमसे बोला था कि 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद। जैसे अगर आज आप प्रेजेंट में 10 ईयर के हो और मैं आपसे कहूँ कि 4 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप अपने ईयर में 4 प्लस कर दोगे। मतलब अपनी एज में जितना मैंने आपको बोला है, जितने ईयर्स आपको बोले गए हैं उतने आप प्लस कर दोगे। तो 10 में से आप प्लस 4 कर दोगे। इसी तरीके से क्वेश्चन में भी है कि उनकी 4 साल बाद की एज बोला है। तो अगर राहुल की अब प्रेजेंट में 5x है तो 4 साल बाद उसकी हो जाएगी 5x प्लस 4 और हरुण की 4 साल बाद हो जाएगी 7x प्लस 4। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन के टर्म्स जो हमें चाहिए थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि उनकी एजेस का जो सम है वो 56 है। इसका मतलब आपको जो दोनों एज अब आ गई हैं 4 साल के बाद उनको प्लस करके 56 के इक्वल करना है। तो यही हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में किया है कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। तो ये हमें इक्वेशन हमारी मिल गई। अब बस हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 5x और 7x मिल के कितना हो गया 12x प्लस 4 और 4 8 इक्वल टू 56। ये 8 इधर इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 56 में से 8 माइनस किया 48 आया। अब 12x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 से कट करा, 12 4 जा 48। तो हमारी x की वैल्यू आई है 4। अब हमें दोनों की प्रेजेंट एज चाहिए। तो प्रेजेंट एज जो राहुल की थी वो थी 5x। हमारी राहुल की जो प्रेजेंट एज थी वो 5x थी, तो x की जगह हम 4 रखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 4 इसकी ईयर हो गई 20 ईयर आ गई। और प्रेजेंट एज ऑफ हरुण की कितनी थी 7x, तो यहाँ पे x की जगह हम 4 रखेंगे, 7 4 जा 28। तो दोनों की हमारे पास प्रेजेंट एज आ गई 20 और 28। बस आपको क्या याद रखना है, जब भी रेशो में से आप वैल्यूज़ को अलग अलग करते हो तो उसके साथ कोई ना कोई एलजेब्रिक टर्म आपको लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पर भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का ये रेशो दिया है। तो अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग लेट करेंगे तो हमें इनके साथ कुछ ना कुछ एलजेब्रिक टर्म लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर हम इससे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है ना, बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो अगर आप गर्ल्स को एक्स लेट करोगे तो बॉयज़ कितने हो गए, एक्स प्लस 8 हो गए। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड्स बताती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों के रेशो दिए थे। तो यहाँ से अगर हम रेशो बनाएंगे, देखिए बॉयज़ का पहले था तो हम यहाँ पर बॉयज़ के रेशो के लिए पहले लिखेंगे। तो एक्स प्लस 8 रेशो एक्स इक्वल टू 7:5। ये हमने दोनों के दोनों रेशो को इक्वल कर दिया। एक जो हमने क्वेश्चन में बनाया था और दूसरा
जो हमें गिवन था, उन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। उसके बाद हमेशा क्या होता है, जब भी रेशो में, जैसे आपके अगर इस तरीके से दो वैल्यू लिखी हुई है रेशो में, तो आप उन्हें फ्रैक्शन में करके इस तरीके से लिख सकती हो। तो यहाँ पर भी वही है, x प्लस 8 अपॉन एक्स आ गया इक्वल टू 7/5। उसके बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5 की मल्टीप्लाई हो गई x प्लस 8 से और 7 की मल्टीप्लाई हो गई x के साथ। उसके बाद इस 5 को अंदर जो ब्रैकेट है इसके साथ ओपन करिए, 5x प्लस 40 इक्वल टू 7x, 5x उधर जाके माइनस हो गया, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x और x इक्वल टू हो गया 40 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, बॉयज़ को लेट कर सकते हो 7x और गर्ल्स को लेट कर सकते हो 5x। ये हमारे बॉयज हैं और दिस इज अ गर्ल्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया कि चूंकि नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज मीन 7x, गर्ल्स का मतलब है 5x। अब बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से ज्यादा हैं, तो आपको गर्ल्स में 8 प्लस करना पड़ेगा, तब आपके बॉयज आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 5x इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 7x माइनस 5x इक्वल टू 8, दिस इज़ 2x, 2x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए x इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई 4, ये x की वैल्यू आई है। अगर आपको गर्ल्स निकालने हैं और बॉयज़ निकालने हैं, तो बॉयज़ में देखिए x की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है, ये कितना आ जाएगा 28, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 5 4 20, और हमारा यहाँ पर भी यही आया है, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20 हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ 28 हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और हमें टोटल स्ट्रेंथ निकालनी थी, इट मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस करना था, तो दोनों को प्लस करके आया हमारा 48। तो आप रेशो वाले मेथड से भी कर सकते हैं और रेशो को अलग अलग करके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ द देम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर का मतलब छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से, मतलब उनके फादर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ फादर से आ रही है, तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से, देखिए किसकी एज के बारे में नहीं बोला, बाईचुंग की एज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब आपको उसी की एज को लेट करना पड़ेगा, तो लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स। ठीक है, अब बाईचुंग के जो फादर थे वो बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे उन्होंने क्या बोला था, हमसे उन्होंने ये बोला था कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, बाईचुंग के फादर वो अपने भी फादर, जो भी उनके फादर होंगे तो वो ग्रैंडफादर ही तो लगेंगे, उनसे 26 ईयर छोटे हैं। ठीक है, यंगर का मतलब है छोटी, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमने बाईचुंग की एज को एक्स लेट किया, तो जो उसके फादर की एज आ जाएगी, फादर तो उससे 29 ईयर बड़े थे, तो बड़े के लिए हम प्लस करते हैं, तो एक्स प्लस 29 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी फादर की एज। अब जो ग्रैंडफादर थे वो उसके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बाईचुंग के फादर अपने पिता से 26 ईयर छोटे हैं, तो अगर वो अपने पिता से 26 ईयर छोटे हैं तो बाईचुंग के जो फादर के भी फादर है वो बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हो जाएंगे, यानी बाईचुंग के दादाजी सबसे बड़ी हैं। ठीक है, तो अब दादाजी की एज निकालनी है, इसका मतलब जो उसके फादर की एज आएगी उसमें भी आपको प्लस करना पड़ेगा, तो दादाजी की एज आ जाएगी। तो ग्रैंडफादर की एज के लिए हमने जो 26 ईयर थे वो और उसमें प्लस कर दिए, तो फादर की एज हो गई एक्स प्लस 29, उसमें भी 26 क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया।
अब तीनों की एजों का सम 135 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सबकी एज जो प्लस करके इक्वल करनी है 135 की। तो ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब आप इसे एक्स 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 थ्री बार है तो 3x हो गया, 26 26 29 को ऐड किया तो 81 इक्वल टू 135। 81 इधर लेके गए, माइनस का हो गया 135 माइनस 81, 135 में से 81 माइनस क्या 54 आया। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 डिवाइड में चला गया, 54 डिवाइडेड बाय 3 तो x की वैल्यू आ गई 18। तो ये तो हमारी x की वैल्यू आई है। अब हमें क्या बतानी है, सबकी एज बतानी है अलग अलग। तो देखिए कैसे बताएंगे, ये तो बाईचुंग की, सबसे पहले आपने बाईचुंग की एज को लेट किया था 18, सॉरी x लेट किया था, तो ये हमारी किसकी एज आ गई, बाईचुंग की एज आ गई। जो उसके फादर की एज को आपने लेट किया था वो क्या था, x प्लस 29। इसका मतलब फादर की एज के लिए x की वैल्यू 18 प्लस 29 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 9 में 8 प्लस किया 17, 2 में 1 प्लस किया 3 और 47। तो फादर की एज कितनी आ गई, 47 आ गई। अब जो ग्रैंडफादर की एज थी वो कितनी थी, x प्लस 29 और उसमें भी कितना प्लस किया था 26। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखी 18 प्लस 29 प्लस 26। 18 और 29 अभी हमने किया 47, 47 में 26 और ऐड करना है तो 7 में 6 प्लस किया 13, 4 में 2 प्लस किया 6 और 1 7। तो ग्रैंडफादर की एज हो गई 73 और फादर की एज 47 आई और भाईचुंग की एज आई हमारी 18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 11th। इसके बाद के क्वेश्चन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।